तो गाइस आज मैं इस तरीके से एक फोटो एडिट करके दिखाऊंगा, तो फिर इस फोटो में कैसे बनाया तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके सबसे पहले इस तरीके से फोटो एडिट कर लेना। इसका बैकग्राउंड किस तरह नहीं जानते, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो गाइस आज का बैकग्राउंड ये है, तो इस बैकग्राउंड को पिज्जा के अंदर ले लो। तो ऐड फ्रो में जाके एक मॉडल ऐड कर लो, ऐड में जाके। तो एक मॉडल ऐड कर लिया जिसका बैकग्राउंड में ऑलरेडी रेस कर लिया, तो ठीक से सेट कर लो। रेस करने के बाद कैसी रेस करते आप नहीं जानते हो, उस अलग एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप देख लेना। कैसे फेस स्मूथ करते हैं उस भी नहीं जानते हो तो फ्रेंड्स आप देख लेना, ठीक से इस तरीके से सेव कर लो। तो और कुछ PNG ऐड करना होगा फ्रेंड्स हमारा। तो इस PNG स्मोक का PNG, इसका ब्लेंड को स्किन कर ऐड कर देना फ्रेंड्स। ब्लेंड को जो ऐड जा ऑप्शन है तो ऐड कर दो। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा मुंह में इस तरीके से लगाना, ऐसा लगेगा हमारा मुंह से स्मोक निकल रहा है। तो इसके हल्के से इरेज कर देना तो काफ़ी अच्छी फोटो हो जाए। तो इसका मुँह से इस तरीके से लगा दो, ऐसे कि फ्रेंड्स हमारा फोटो काफ़ी अच्छी दिखने लगे। तो देखो फ्रेंड्स सेट हो गया, तो फ्रेंड्स तो इसके बाद फ्रेंड्स हल्के से एपेसिटी को कम कर देना, ऐसा कि ओरिजिनल लगे। तो डन कर देना। डन करने के बाद फ्रेंड्स और एक PNG फ्रेंड्स हमारे ऐड करना होगा। तो फिर इस स्मोक PNG और सिगरेट का PNG, इसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अब आराम से डाउनलोड कर लेना। तो इसका फ्रेंड्स एड्रेस में जाके इसका सेशन को एकदम ज़ीरो कर देना, ठीक है। तो इसका ज़ीरो तो सेशन को जाके एकदम ज़ीरो कर देना, ऐसा कि इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन को बाद देना, ऐसे कि फ्रेंड्स ब्लैक ब्लैक जैसा लुक आए इस सिगरेट को। तो फिर शेडो कलर से काम देना, ऐसे कि फ्रेंड्स अब ब्लैक हो जाए। तो गाइस ब्लैक हो गया, देखो फ्रेंड्स। और इसका ब्लेंड को जो है ना, तो इस ब्लेंड को स्किन कर देना। ब्लेंड का स्किन करके फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से लगा देना देखो फ्रेंड्स कितना अच्छी। तो हमारा क्रॉप करना होगा, तो क्रॉप करोगे तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी दिखने लगे। तो इसको फ्रेंड्स घुमा के हल्के से घुमा के इस तरीके से यहाँ से लगा देना। तो मैं लगाने के बाद देखो फ्रेंड्स कितना अच्छी फोटो होगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं रोड की साइड से वीडियो रिकॉर्ड साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत नॉइज़ आ रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। तो हल्के से इरेज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से डन कर दो ठीक से लगा के। तो डन करने के बाद फ्रेंड्स हमारा लोगो ऐड करना होगा फ्रेंड्स, लोगो। तो फ्रेंड्स आपका आपका लोगो लगा दो आपके फोटो के ऊपर। तो ऐसा इस लोगो कैसे बनाते हैं आप नहीं जानते हो तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। तो डन कर देना। डन करने के बाद फ्रेंड्स हमारा पिज्जा के अंदर सारे काम खत्म। तो पिज्जा के अंदर सारे काम खत्म होने के बाद फ्रेंड्स हमारा जाना होगा इस बार लाइट रूम पे। तो ड्रॉ के अंदर सेव कर लेना इस फोटो, ड्रॉ के अंदर सेव कर लेना। तो गाइस इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जाना होगा लाइट रूम पे। तो इस फोटो हमारा लाइट रूम के ओपन करना होगा, जिस फोटो में पिज्जा के अंदर निकला था, ओके। तो इस फोटो इससे ऐड में क्लिक करके आप कैसे ऐड करते हैं आप जानते हो, नहीं जानते हो तो देख लो फ्रेंड्स, वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। तो इसको ऐड कर लो फ्रेंड्स, सिलेक्टेड ईयर ऐड करने के बाद फ्रेंड्स ऑल फोटो में जाओ। तो देखो फ्रेंड्स फोटो 2 हो गया, फोटो ऑलरेडी आ चुका है। तो फोटो के ऊपर क्लिक किया तो लाइट रूम के अंदर फोटो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो फोटो ओपन हो गया, तो मैं रोटेट कर लूँगा, रोटेट ऑलरेडी है, तो हमारा मोबाइल को रोटेट करना होगा। तो फ्रेंड्स आप जानते हो मैं बंगाली हूँ, हिंदी बार थोड़ा तो जानते, कोई भूला तो प्लीज़ समझिए। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जाना होगा मिक्स पे, सॉरी फ्रेंड्स ब्राइट में पहले जाना होगा। इसके बैकग्राउंड के कलर कस्टमाइज कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन का हल्की से कम आ देना, करने में फ्रेंड्स एक्सप्लोर को हल्की से बढ़ा देना, 20 कर देना, 0.20 कर देना। और हाईलाइट्स को 4 कर देना, और शेडो को हल्की से इस तरीके से हल्की से बढ़ा देना, 17 कर देना। और मिक्स पे जाके फ्रेंड्स हमारा कलर में जाके मिक्स पे जाना होगा। तो गाइस इसका ऑरेंज का लुमिनेंस को बढ़ा देना फ्रेंड्स, आप जानते हो ऑरेंज कलर हमारा फेस के कलर है, तो इसका लुमिनेंस बढ़ा तो हमारा ऑरेंज की ब्राइटनेस बढ़े। तो सैचुरेशन को हल्के से कम कर देना, जैसे कि फेस की सैचुरेशन कम आ जाए, तो ह्यू को हल्के से माइनस कर देना। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ग्रीन का सैचुरेशन को एकदम जीरो कर देना, और ब्लू का फ्रेंड्स हमारा शर्ट की कलर है, तो ब्लू आप हिला सकते हो नहीं सकते हो, इसका हिला सकते हो। येलो को इस हल्के से काम आ ह्यू को इस तरीके से -96 कर देना, और रेड को इस तरीके से रख देना फ्रेंड्स, हमारा फेस की कलर कस्टमाइज हो जाए।
तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा डीएस ऑप्शन को बनाना होगा। फ्रेंड्स आप जानते हो फ्रेंड्स डीएस ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा फोटो के ऊपर बहुत अच्छे लोग डालते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जाना होगा कलर में मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद फ्रेंड्स इसके सजेशन को हल्की से कामा देना है, ऐसे कि फ्रेंड्स हमारा फोटो के साथ एकदम फेस मैच हो जाए ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जाना होगा फिर भी डिटेल्स में, सॉरी फ्रेंड्स इफेक्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स बिगिन हल्की से कामा देना, ऐसे कि हमारा फोटो के आसपास ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाए। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जाना होगा मिड पॉइंट, आप हिला सकते हो फेदर को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा व्हाइट क्वालिटी से बाहर देना लाइट में जाके, और ब्लैक क्वालिटी से बाहर देना। देखो फिर फोटो के साथ बैकग्राउंड कैसे मैच करें। तो मैं इसके बाद फ्रेंड्स हमारा डिटेल्स में जाना होगा। डिटेल्स में जाने के बाद शार्पनिंग क्वालिटी से बाहर नॉइस रिडक्शन के बाद और कलरनेस के बाद, ऐसे कि हमारा फोटो की शाइनेस खत्म हो जाए ठीक है। तो इसके करने के बाद फ्रेंड्स देखो फिर फोटो रेडी है, फोटो एकदम अच्छी काफ़ी अच्छी फोटो बन जाए। तो इसके मैं मोबाइल के अंदर सब काम करता हूँ, उसके लिए मेरा एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं होते। तो फ्रेंड्स आपके पास क्या लगते हैं मैं नहीं जानते हो, नोटिफिकेशन को थोड़ा सा बांध देना। बांधने के बाद फ्रेंड्स इस फोटो देखो बिफोर कैसे था पिक्चर के अंदर, लाइट रूम के अंदर एडिट करने के बाद कैसे हुआ। तो इस फोटो सिंपली यहाँ से सेट कर लेना, सेव कर लेना। तो फिर बाइट हमारा कंस्ट्रक्ट हल्की से इस तरीके से रख देना, -29 कर देना। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ सा एडिट को और कमा सकते हो। तो देखो फिर फोटो रेडी है बिफोर कैसे था और लाइट रूम के अंदर एडिट करने कैसे हुआ। तो फोटो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और कोई कौन सी वीडियो आपका जरूरत है तो प्लीज़।